हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए आया हूँ नाथ निशान मोटर्स पर, जहाँ मैं कवर करूँगा वैल्यू फॉर मनी निशान मैग्नाइट XL वेरिएंट। अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती कार होने के साथ साथ फीचर से भी फुल्ली लोडेड है। चलिए मैं आपको XL वेरिएंट के सारे फीचर दिखाता हूँ, क्या क्या इसमें मिलता है हमें। दोस्तों लुक की बात करें तो क्या प्रीमियम लुक आता है XL वेरिएंट का ही, और 6.3 लाख में आपको और क्या ही चाहिए। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें दोस्तों तो आपकी सिटी और स्टेट के हिसाब से ये घट बढ़ सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। और बात करें इसके फ्रंट लुक से तो हमें मिलती है काफी बड़ी ब्लैक ग्रिप साइडों से क्रोम फिनिश के साथ, और बीच में आता है इसका लोगो जो अब नया बदल चुका है। दोस्तों बात करें अगर इसके हेडलैम्प की तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं आते हैं, वो टॉप वेरिएंट में आते हैं। इसमें हैलोजन बल्ब के साथ हेडलैम्प्स आते हैं। नीचे आ जाता है आपका DRL, उसके नीचे आता है फॉग लैम्प जो की टॉप वेरिएंट में इंक्लूडेड मिलते हैं, लेकिन आप इसमें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। यह आता है टोइंग हुक और उसके नीचे आती है स्किड प्लेट। दोस्तों बात करें अगर इसकी साइड प्रोफाइल की तो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रही है निशान मैग्नाइट। इसमें आपको मिलती है 3994 mm का लेंथ, 3200 mm का व्हील बेस और 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस। तो दोस्तों यह आता है इसका टायर 195/60R16 का, उसी के ऊपर आ जाती है दोस्तों क्लैडिंग जो अगले टायर से होते हुए पीछे तक जाती है। और यह आती है दोस्तों इसकी निशान मैग्नाइट की बैचिंग, उसी के साइड में आता है इसका ORVM जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है, उसी में साइड टर्न इंडिकेटर, और नीचे आती है एक स्ट्रिप जो रेड और ग्रे कलर से पीछे तक जाती है जो इसके लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। और दोस्तों ये आते हैं इसके डोर हैंडल्स जो बॉडी कलर आते हैं चारों ही। तो दोस्तों ये आता है इसका 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक जिसे आप ड्राइवर साइड सीट के नीचे से खोल सकते हैं, और उसके ऊपर हमें मिलती है रूफ रेल्स जो इसके चारों वेरियंट्स में ही अवेलेबल है। दोस्तों बात करें अगर इसके पीछे से लुक की तो वो कुछ इस तरह देखने को मिलता है, जहां हमें सबसे ऊपर मिल जाता है एंटीना जो कि शार्कफिन एंटीना हमें टॉप वेरिएंट में देखने को मिलता है। उसके नीचे आता है हाई माउंट स्टॉप लैंप बराबर में वॉशर और उसी के साथ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर। दोस्तों LX वेरिएंट में भी आपको डिफॉगर और बैक वाइपर मिलेगा। उसके नीचे आता है निशान का लोगो और प्यारी सी मैग्नेट की बैजिंग। सो उसके नीचे जब आते हैं तो टर्बो की बैजिंग मिलती है, और ये आ जाता है इसका टेल लैंप। नीचे आपको मिलते हैं बैक रिवर्स पार्किंग सेंसर, और उसके नीचे डुअल टोन में आपको बम्पर मिलता है जो कि रिफ्लेक्टर्स इसके इंटीग्रेटेड है। दोस्तों चलिए खोल कर देखते हैं इसका बूट स्पेस जो कि है 336 लीटर का, और अगर आप इसकी सीट गिरा देते हैं तो ये हो जाता है 690 लीटर का। और उसी के नीचे आ जाता है आपका पार्सल ट्रे, बॉर्निंग ट्रायंगल, पेयर व्हील, और उसी के साथ मिलती है टूल किट। चलिए दोस्तों तो खोल कर देखते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर। कीलेस एंट्री आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है, इसमें कीलेस एंट्री आपको नहीं दी जाती है, और डोर काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है डुअल टोन के साथ। जहां सबसे ऊपर आ जाता है डोर ओपनर, उसके नीचे हमें कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, पावर विंडो और ORVM इनसाइड कंट्रोल्स हैं। उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस, और ये आता है एक स्पीकर। दोस्तों बात करें अगर इसके ड्राइवर साइड रेयर डोर की तो ये भी आपको डुअल टोन में ही मिलता है, और यहाँ आ जाता है इसका डोर ओपनर, ये आ जाता है इसका पावर विंडो कंट्रोल, ये जाती है थोड़ी सी स्टोरेज, और यहाँ मिलता है आपको एक स्पीकर, और इसके साइड में यह जाता है चाइल्ड सेफ्टी लॉक। ये जाती है दोस्तों निशान मैग्नेट की जो कि बहुत सिंपल सी है, लॉक और अनलॉक का ही आपको बटन दिया जाता है, और पीछे से भी सिंपल है और उस पर केवल निशान का लोगो बना हुआ है। दोस्तों ये आ जाता है निशान मैग्नेट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। लुक वाइज RPM की जो डिजिटल रेंज जाती है वो ऊपर तक जाती है, और डी कट स्टेयरिंग आता है जहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये आ जाता है इसके साइड में दो बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और लाइट की हाई बीम और लो बीम। दोस्तों ये आ जाता है इसका डुअल टोन फिनिश में डैशबोर्ड, और उसी के बीच में आ जाते हैं AC बैंड। उसी के नीचे हमें दोस्तों मिलता है इसका स्टूडियो जो कि ब्लूटूथ कनेक्ट है, और डिस्प्ले केवल टॉप वेरिएंट में आती है, और उसके नीचे आ जाते हैं कुछ बटन, डिफॉगर, हैजर्ड और लॉक अनलॉक। ये आते हैं इसके AC कंट्रोल्स जो कि क्लाइमेट कंट्रोल है, और उसके नीचे आ जाता है वायरलेस चार्जर, उसके नीचे हमें मिलता है 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट। ये आ जाता है इसका दोस्तों 5 स्पीड गियर नोब, उसके बराबर में आपको मिलता है हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, और उसके पीछे थोड़ी सी स्टोरेज,
टॉप मॉडल में यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया हुआ है। दोस्तों ये आ जाता है इसका IRBM और उसके ऊपर आ जाती है आपकी रीडिंग लाइट, उसके ऊपर हमें मिलता है माइक। दोस्तों ये आ जाता है इसका ड्राइवर साइड सनवाइजर जहाँ आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये आ जाता है इसका पैसेंजर साइड सनवाइजर जहाँ वैनिटी मिरर दिया हुआ है और ये आ जाता है पैसेंजर साइड ग्रैब हैंडल। तो दोस्तों ये आता है इसका पैसेंजर साइड AC वेंट, उसी के ऊपर हमें मिलता है पैसेंजर एयरबैग और यहाँ आ जाता है 10 लीटर का ग्लव बॉक्स जो अपने सेगमेंट में काफ़ी बड़ा है। चलिए दोस्तों तो आप खोल कर देखते हैं निसान मैग्नेट का इंजन और यहाँ आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 71.02 BHP पर काम करता है, 18.75 का माइलेज प्रोवाइड आपको करता है और यह जाती है इसकी एक्साइड की बैटरी। चलिए दोस्तों तो देखते हैं इसकी कुछ पिछली सीट और यहाँ पर आपको मिलता है काफ़ी स्पेस। ये आते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ये आता है आर्म रेस्ट के बाद काफ़ी सारा लेगरूम हमें मिलता है यहाँ पर। यह आता है इसका ग्रैब हैंडल और यहाँ आ जाता है रीडिंग लैंप। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको निसान मैग्नेट कैसी लगी और आप निसान की किसी भी गाड़ी के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मिस्टर पंकज सेल्स मैनेजर नाथ निसान मोटर्स मुरादाबाद में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। उनका नंबर डिस्प्ले पर भी है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो करते हैं यहीं एंड और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।